नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं के उपाध्याय। आज जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या दिवस जनसंख्या विस्फोट से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए आज नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। इस जनसंख्या नीति में क्या है और इस जनसंख्या नीति की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 4.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन तब तक न उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक दिखाई दी और न ही जनसंख्या विस्फोट दिखाई दिया। अचानक से जनसंख्या नीति घोषित करने के पीछे की मंशा क्या है? प्रदेश सरकार का कहना है कि वे चाहते हैं कि प्रदेश का समुचित विकास हो, परिवारों का समुचित विकास हो, सरकारी योजनाओं का परिवारों को लाभ मिले और जनसंख्या नियंत्रण हो। उधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार की मंशा सही दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष को लगता है कि अल्पसंख्यकों को नियंत्रित करने के लिए यह जनसंख्या नीति लाई जा रही है। सवाल यह भी है कि यदि अल्पसंख्यकों को नियंत्रित करने के लिए भी जनसंख्या नीति लाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि देश की जनसंख्या तो बढ़ी रही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जाहिर है ऐसे में संसाधन जुटाने में, संसाधन मुहैया कराने में तकलीफें होती हैं, गरीबों की कल्याण की योजनाएं लागू करने में भी दिक्कतें आती हैं। इस जनसंख्या नीति से जो सियासत गरमाई है उस सियासत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में कई मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, कपीश श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इस पर कानूनी मशवरा क्या हो सकता है, कानूनी राय क्या हो सकती है, कानून में अड़चने आ सकती हैं या नहीं आ सकती, इस पर हमसे बात करने के लिए बार एसोसिएशन के वकील हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद से जुड़ेंगे। इन सबसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अचानक इस जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों आन पड़ी, और अगर जनसंख्या नीति की इतनी ही जरूरत थी तो इतना समय क्यों लग गया? क्या जनसंख्या विस्फोट पहले दिखाई नहीं दे रहा था? आलोक जी देखिए उपाध्याय जी, राज्य विधि आयोग को इस जनसंख्या के ऊपर काम करने के लिए काफी समय से दिया गया था। उन्होंने रिपोर्ट अभी सबमिट करी है। अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है सरकार इस पर निर्णय लेगी। 19 जुलाई तक इसमें आपत्तियां मांगी गई है और मुझे लगता है कि इसमें आपत्तियों का समायोजन करते हुए जो सरकार को निर्णय लेना है वो शीघ्र लेगी। आपको पता है कि देश में इस समय सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, और जो जो देश का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, और हम उत्तर प्रदेश में जाकर 2.7 हमारा फर्टिलिटी रेट हो जाता है। और जनसंख्या वृद्धि जो अगर हम 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध है उस पर अगर हम देखेंगे तो 17.70 जो है देश का आंकड़ा था और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 20.23। मतलब हम देश के आंकड़े को पछाड़ करके काफी आगे जा रहे हैं। और जहां तक जनसंख्या घनत्व है एक वर्ग किलोमीटर में, वो 382 है पूरे भारतवर्ष का और 828 है मात्र खाली उत्तर प्रदेश का। तो हम कहां पर खड़े हो रहे हैं? सीधी सी बात है, हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, हमारे पास जमीनें कम होंगी, हमारे पास पीने के पानी की व्यवस्था कम होगी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जो है भारत के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, विपक्ष उसका जो है एक तरीके से उसका जो है विरोध करना शुरू कर देता है। चाहे हम नागरिक संशोधन अधिनियम लेकर के आए उसको, उसका उन्होंने विरोध किया, जबकि वो भी हमारे संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों को अधिकार देता था, लेकिन उन्होंने उसको हिंदू मुसलमान में बांट दिया। हम जो है धारा 370 को हटाते हैं उसका भी वो विरोध करने लगते हैं। हम महिलाओं को 3 तलाक का सम्मान देते हैं उसको भी वो विरोध करते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उसका भी विरोध करते हैं। तो पता नहीं क्या कारण है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है केवल भारत के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसका विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, योगी आदित्यनाथ का विरोध करना, सिर्फ एक यही इनके पास एक ऑप्शन रह गया है। उसी लिए आज जनसंख्या पे जो हम नियंत्रण करने के लिए जो हम बिल लेकर रहे हैं, प्रावधान जो आया है उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है कपीश जी, इसमें क्या दिक्कत है? आलोक जी की बात कहीं किसी हद तक सही लगती है। उनका कहना है कि जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हो रहा है, और जिस घनत्व की बात की उत्तर प्रदेश में सच में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से विकास योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं, और ये केवल अपने ही देश में नहीं, चीन में भी ये दिक्कतें आती हैं, आसाम जो हमारे देश का ही एक हिस्सा है वहां पर भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी को आखिर आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है इसमें? कपीश जी देखिए माननीय उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी को जनसंख्या नीति पर या जनसंख्या नीति पे आने वाले कानून या परिवार नियोजन पे लाने वाले कानून पे कोई आपत्ति नहीं। जो देश हित में हो अगर उस पर कोई कानून आता है तो बिल्कुल उसका वेलकम है।
लेकिन चीज इस चीज की है कि मंशा देखी जाती है। आप सबसे बड़ी चीज ये है कि जनसंख्या विस्फोट पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो चिंतन जरूर होना चाहिए, आत्ममंथन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये मसला सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और ये आजादी के बाद से है। लेकिन बावजूद उसके प्रबंधन हमारा अच्छा रहा, हमने अपनी ऊर्जा सही जगह से इस्तेमाल की। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 35 करोड़ की हमारी जनता थी, आज हमारे 1 अरब 35 करोड़ की जनता है और हम चाइना के बाद हम अपनी जनसंख्या में हैं। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि हमने अपने खाद्यान्न का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमने अपने असलहों से लेकर DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं बनाई और आज भारत विभिन्न मानकों पर देखिए तो विश्व में 5वां महाशक्ति है। और इस भारी आबादी के साथ नरेंद्र मोदी जी बहुत जगह विदेशों में ये कहते हैं कि क्योंकि हम 135 करोड़ की जनता है, इतने बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ, हमको इसमें तरजीह मिलती रही है विदेशों में और तमाम उद्योगपति जो विश्व बाहर के थे वो भी भारत में आकर के उद्योग लगाए। लेकिन बावजूद इसकी हम एक चीज कहते हैं कि अगर आपकी नीति चाहिए तो ये नीति केंद्रीय होनी चाहिए, ये दिखाने के लिए, दिखावे और ढकोसले के लिए नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो राज्य नीति निदेशक तत्व जो हमारा संविधान का भाग 4 है जिसमें 35 से लेकर 51 तक की धार के जो अनुच्छेद है वो इसी के स्तर पर दिए गए हैं, जिसमें ये था कि जनसंख्या पर एक नीति हमारी होनी चाहिए और वो पूरे देश के लिए होनी चाहिए। लेकिन 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको समवर्ती सूची के अंदर डाला गया, इस पर राज्य भी कानून ला सकते हैं। हमें ये कतई नहीं विरोध है कि योगी सरकार क्यों लेके आ रही है, इससे पहले 9 राज्य की सरकारों ने लाया है, उसको राजस्थान सरकार भी लाई है, असम भी लाई है, लागू किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या उनके लागू करने से इस देश की विस्फोटक स्थिति जो जनसंख्या की उसके हमने अगर कमांड कर लिया हो तो चलिए सर्वे रहती के स्तर पर बना ले। हम तो एक बात कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चिंतनशील है इस पर, इसको एक गंभीर मुद्दा मानती है तो अभी जाने वाली सरकार योगी सरकार लेकर के आ रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि 6 महीने केवल आपके सरकार के रह गए हैं, 4 महीने के बाद हो सकता है कि अधिसूचना जारी हो जाए और आप इतना जल्दीबाजी में वापो में लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद आप ये भी नहीं बताने के लिए तैयार हैं कि आप इसको ऑर्डिनेंस के रूप में पेश करेंगे या एक विधेयक के रूप में लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं तो संविधान के अंदर हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं अमरेंद्र जी, वो बताएंगे, क्योंकि मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूं इसलिए इन सारी चीजों से 2-4 रोज होता हूं। तो ऑर्डिनेंस तो विशेष सत्र, जब कोई सत्र नहीं चलता है देश में, प्रदेश या देश में आहूत नहीं होता है विधानसभा या संसद का, और कोई बहुत जरूरी मसला होता है तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाने की कवायद रही है। और एक बात और भी रहा है कि वो सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए, 6 महीने के बाद योगी सरकार कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि अगर इन ये कंफर्म करते हैं कि उन्हीं की सरकार आ रही है। लेकिन कपिल जी, 6 महीने के बाद सरकार कंटिन्यू हो या नहीं हो, लेकिन 6 महीने तक सरकार काम न करे ये तो नहीं हो सकता ना। 6 महीने का इस्तेमाल तो कोई भी सरकार है उसे करना ही चाहिए। 6 महीने तक ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चुनाव होने वाले हैं इसलिए अब 6 महीने सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे, उसे कोई काम ही नहीं करना चाहिए और वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये तो सही नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, सरकार काम तो करेगी। भगवान भरोसे कैसे जनता को छोड़ दिया जाए? नहीं, हमारी चिंताएं दूसरी हैं, वो संवैधानिक मसला। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप इनसे पूछिए तो कि ये ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे कि विधेयक के रूप में लाएंगे, क्योंकि विधेयक के रूप में लाएंगे तो वो पटल पे रखेंगे, हम सारे लोग उन ड्राफ्ट को देखेंगे, जो संशोधन हो सकेगा वो हम वहां पर कह सकेंगे और बाकी जो जिस नीति से वोटिंग होती है वो पारित होगा, प्रदेश का कानून बनेगा, हम सब उस कानून का पालन करेंगे। मैं तो दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जनरली केंद्र की नीति क्यों नहीं हो सकती, जो 3 साल अभी बचे हुए हैं। हम कहते हैं अटल बिहारी जी की सरकार 6 साल चली, 7 साल जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, अगर आप उतने चिंतित थे जनसंख्या नीति पे तो आप केंद्रीय कानून ला सकते। इसका जवाब अभी हम आलोक जी से ले लेंगे। मैं इससे पहले सुरेंद्र सिंह जी राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की इस जनसंख्या नीति से क्या आपत्ति है। मैंने तमाम नेताओं के बयान देखे सुने, उसमें वो कह रहे हैं कि ये इस नीति को नहीं लाना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस ने तो 1975 में नसबंदी कानून लेके आई थी पूरे देश में और उन्होंने तो जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी। कांग्रेस को तो इस सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि नसबंदी कानून अगर सबसे पहले देश में कोई लाई थी तो कांग्रेस लेके आई थी। तो आज कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? उपाध्याय जी, जरा उन नेताओं के बयान दिखा दीजिए जिन नेताओं ने इसको विरोध किया है। कुछ नेताओं के कान आपके पास बयान है जिन्होंने विरोध किया है? आप अपनी बात करिए।
जी नहीं नहीं एक शगल बना लिया है आप लोगों ने, एक सत्ता समर्थन का एक शगल बना लिया है कि कांग्रेस विरोध कर रही है, मुसलमान के विरोध में है, हिंदू के विरोध में है। पता नहीं क्या आप लोगों को मजा आती है हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करने में। सच बात यह है कि जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, इस पर व्यापक विमर्श होना चाहिए, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं। विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट लगाया है, उसको जनता के लिए अवलोकन के लिए रखा है, 19 जुलाई तक समय कम है, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना और देना चाहिए, उसके बाद विधानसभा में इस पर व्यापक चर्चा हो, सारे दलों से चर्चा हो, और जनसंख्या में के उसको क्या नाम रोकने के लिए, विस्फोट को रोकने के लिए निश्चित तौर पर प्रभावी कानून आए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उपाध्याय जी, ना आपको होनी चाहिए ना हमको। कानून और संविधान की बात हमारे साथ अमरेंद्र नाथ जी है, उनसे कर लेंगे। आप कांग्रेस का मत बताइए, कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी जी जो कानून लेके आ रहे हैं, क्या कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, हाँ या ना? उसके बाद में जो संवैधानिक स्थितियां हैं, विधानसभा में पारित होना चाहिए, ऑर्डिनेंस पारित होना चाहिए जैसे कपीश जी करे, वो हम अमरेंद्र नाथ जी हमारे साथ में है, उनसे जवाब ले लेंगे। जी नहीं ऐसा ऐसा है उपाध्याय जी, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा ही आतंकियों की भाषा है। आप आतंकियों की तरीके से बात मत कीजिए कि यार तो सर पे बंदूक लगा के कि हाँ या ना, ये गलत है। ये भाजपा वाले करें तो ठीक है, लेकिन आप अरे भाई सुरेंद्र जी तो आतंकी की बात आप आया ना बताइए, आप सहमत या असहमत? नहीं नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डिटेल में बता दीजिए, आप डिटेल में बताइए, डिटेल में बताइए, हाँ या ना में मत बताइए, डिटेल में बताइए। हाँ अब आप आए ठीक लाइन पे, ये बात आलोक अवस्थी जी कहें तो अच्छी बात, लेकिन आलोक नहीं, मैं लाइन पे ही था, मैं आपको लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो लाइन पे ही था। ऐसा आलोक आलोक अवस्थी जी को कवर फायर अगर के उपाध्याय जी देंगे तो उचित बात नहीं है, मैं आपको बहुत सुरेंद्र जी हमारा फायर जी थे आप पे आए। अरे नहीं आलोक जी को जरूरत नहीं है मेरे कवर फायर फायर की, आलोक जी को जरूरत नहीं है, आलोक जी इनकी सुन लीजिए, इनकी पूरी सरकार मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास, पहले सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ले और फिर हम संवैधानिक उस पर अमरेंद्र नाथ जी की राय लेंगे, फिर मैं आलोक जी के पास आता हूँ। जी सुरेंद्र जी आप जारी रखिए प्लीज, आप बीच में मत टोकिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, जनता जनसंख्या के विस्फोट को रोका जाना चाहिए, इसके लिए एक व्यापक विमर्श हो और व्यापक विमर्श के बाद एक अच्छा कानून आए। ये कानून इस तरीके से ना आए कि जैसे किसानों के लिए काले कानून बगैर किसी चर्चा के आ गए और आज 7-8 महीने से हमारा किसान सड़क पर बैठा हुआ है उन कानूनों के विरोध करने में। आप हमारा जो बड़ा स्पष्ट मानना है कि आम जनता के लिए अगर कानून आ रहा है तो आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, सारे संसदीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए, सारे जो है राजनीतिक विमर्श की भागीदारी होने के बाद वो कानून आए, कोई विरोध नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो जो सबसे बड़ी बात है कि इस कानून के नाम पर अगर आप किसी को भी कोई भी चीज थोपेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसे काले किसानों के काले कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप बगैर किसी चर्चा के थोपेंगे तो इसके निश्चित प्रावधानों पर विरोध होगा। दूसरी बात, मैं विरोध की बात मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, प्रभावी नियंत्रण आना चाहिए। अब आप हमको ये जरूर बतवा दीजिए आलोक अवस्थी जी से कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी लाई थी इस कानून को या इस नियंत्रण को, उस प्रभावी नियंत्रण में आलोक अवस्थी जी की पूरी पार्टी ने नंगा होकर के विरोध किया था, नंगा होकर के। आप भी उस समय बड़े रहे होंगे। अरे भाई उस समय नहीं नहीं उस समय का मुझे पता है, नहीं नहीं मैं पढ़ रहा था, उस समय बड़ी बुरी स्थिति थी, घरों से पकड़ के लाते थे और पुरुष हो या महिला हो उनको जबरन नसबंदी की जाती थी, उस समय एक गाना भी बना था तो, और उसी समय किशोर कुमार पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। आप ये बात मत करिए, उस समय तो नंगा नाच कांग्रेस ने किया था। इस बात में अगर आप कहेंगे कि आलोक अवस्थी जी को मैं कवर फायर दे रहा हूं तो मैं आलोक अवस्थी जी को कवर फायर नहीं दे रहा हूं, मैंने उसको देखा है, भोगा है, मैं उस समय छोटा था लेकिन मैं समझता था कि इस समय हो क्या रहा है देश में, ये मैं जानता हूं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाई कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जनसंख्या कानून का विरोध किया था या उसके प्रावधानों का विरोध किया था या उसके गलत तरीके से लागू होने का विरोध किया था, या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी 1975 से आज तक वो ऐसा कानून क्यों नहीं लाई जिन जिन राज्यों में इनकी 20-20 साल 25-25 साल से सरकार थी, आज तक ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया? ये आलोक अवस्थी जी की पार्टी, आलोक अवस्थी जी तो भले आदमी तो माफी मांग लेंगे,
लेकिन आलोक अवस्थी जी की पार्टी क्या माफी मांगेगी इस बात के लिए कि इन्होंने इतना बड़ा दुराचार अनाचार किया है देश की जनता के साथ, देश की जनता के विस्फोटक उसमें इसको इन लोगों ने क्या नाम बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये इस्तीफा दिलवाएंगे, क्योंकि वो एक पांच भाई है और योगी जी के क्या नाम योगी जी भी शायद चार पांच भाई, मोदी जी भी पांच छह भाई। ये आलोक जी से जवाब ले लेंगे। मैं अमरेंद्र नाथ जी के पास चलता हूँ। अमरेंद्र नाथ जी प्रदेश के बड़े वकील हैं, संविधान के अच्छे जानकार हैं, बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अमरेंद्र नाथ जी से जानना चाहेंगे, कपीश जी भी जानना चाह रहे थे कि इसका संवैधानिक प्रारूप क्या होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये जाकर के कोर्ट में अटक जाए, और क्या ये लागू होना चाहिए, क्या इसका ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, क्या ये विधानसभा में पारित होना चाहिए। विधि आयोग का कहना है कि जनसंख्या नीति तो पहले से थी, लेकिन चूंकि इसका कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं था, दांडिक प्रावधान नहीं था, इसके लिए कोई इस तरह की ये नहीं थी कि ये कंपलसरी है, तो उसकी वजह से ये कानून लागू नहीं हो पाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, इसकी कमियां क्या हो सकती हैं और इसकी अच्छाइयां क्या हो सकती है। आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपसे बिल्कुल दो टूक कानून की भाषा में जवाब चाहिए। पहले तो सबको नमस्कार, आप सबको और जो साथी बैठे हैं पैनलिस्ट। देखिए, बहुत अच्छा डिबेट हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, ये इस तरह का जो डिबेट होता है कि एक संवैधानिक पहलू पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और उस पर लोगों ने अपना मंतव्य दिया है, तो हम समझते हैं सभी को साधुवाद होना। यह विषय देश की जनसंख्या का जो सभी लोग स्वाभाविक रूप से मान रहे हैं कि आबादी देश की बहुत बढ़ गई है, भारत भूमि पे बहुत प्रेशर है, संसाधनों पे बहुत प्रेशर है, हमारा जो संविधान बना है वो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पे बना, समानता के अधिकार, शोषितों को अवसर का अधिकार, वंचितों को अवसर का अधिकार, ये हमारे संविधान की भावना है। आर्टिकल 14 समानता की बात करती है, आर्टिकल 21, 19 और 21 अभिव्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता की बात करती है। ये जो जीवन की स्वतंत्रता है जिसमें जल वायु रहना भूमि, ये हम उन लोगों को अधिकार देती है जो भारत के नागरिक हैं, लेकिन दुनिया के विकसित देश भी और विकासशील देश भी, हर देश समय समय पर अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अपने यहाँ के संवैधानिक दायरों के अंतर्गत व्यवस्था करता है। आप देखिए, चीन जो है वो डंडे के बल पे राज चलाता है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और उन्होंने लोगों को प्रताड़ित करके शोषण करके अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसा भारत में संभव नहीं है। जो वर्तमान जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है, और एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस बिल को सार्वजनिक रूप से भी लोगों को जानकारी दी है, आज ही जब आपके डिबेट का पता चला तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो बिल डाउनलोड करवाया, उसका प्रिंट आउट आया, तो जो मैंने पहली प्रथम दृष्टया समझा है उसको देखा है कि यह किसी को प्रताड़ित करने के लिहाज से तो मुझे नहीं दिखा, यह उन लोगों को प्रोत्साहित करता है कि जो लोग दो बच्चे जिनके होंगे, और उनको हतोत्साहित करता है कि जो यह कानून बनने के बाद से, कानून बनने तक तो अभी जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है, एडॉप्शन पे भी कोई एक एडॉप्शन पे भी प्रतिबंध नहीं है, और यह सब विषय हरियाणा में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र अन्य राज्यों में भी यह बातें आई थी, न्यायिक इस पे निर्णय भी हो चुके हैं, एक जावेद बनाम इस पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुकदमा था सन 2002 में, संभवतः वह फैसला हुआ था जिसमें सरपंचों के चुनाव के पर यह प्रतिबंध लगाया गया था तत्कालीन सरकार द्वारा, वह विषय आया न्यायालय संज्ञान में, उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। लेकिन ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ संविधान जब अगर अभिव्यक्ति की जीवन की वायु के रहने की सांस लेने सब चीज की स्वतंत्रता देता है, भोजन की स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने के
राइट हमें मिला हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं समझता हूँ ये सब पार्टियों ने मिल करके पास किया है। तो जनसंख्या जिस तरह से भार बढ़ रहा है, जमीनों के टुकड़े हो रहे हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं, वो मिलने में भीड़ बढ़ रही है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान में यह कानून प्रस्तावित किया गया है वो मैं समझता हूँ संविधान के दायरे में है, क्योंकि यह किसी के अधिकारों को छीनता नहीं है, अवसर प्रदान करता है और प्रोत्साहन देता है, और कि जो लोग इस कानून के अनुसार देश के विकास में अपनी जनसंख्या को सीमित करके योगदान करेंगे उनको हम ये प्रोत्साहन देंगे, नौकरी में उनको इंसेंटिव्स देंगे, इंक्रीमेंट देंगे तनख्वाह में, ऐसे ही जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है उनको भी लोन की फैसिलिटी मिलेगी, उनको बहुत सी चीजों में कर में छूट मिलेगी, जो लोकल बॉडीज के कर हैं उनमें छूट मिलेगी। ये ऐसी उन्होंने तरह का जो लाया है, और अंततः गत्वा अभी तो ये शुरुआत हुई है डिबेट की, मैं समझता हूँ ये सदन में भी डिबेट होगा, बहुत अच्छी बात कही लोगों ने कि चर्चा होनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है और सदन में अवश्य चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में भी चर्चा होनी चाहिए। अब ये अगर अध्यादेश के रूप में लाया जाता है तो वो 6 महीने तक ही जीवित रहेगा, चुनाव आचार संहिता मुझे लगता है 4.5-5 महीने बाद लगेगी, तो उसके पहले एक विधानसभा सत्र होना चाहिए, उसमें अगर ये बिल पास होता है, विपक्ष को सभी पक्षों को लोगों को संशोधन पेश करने का अधिकार है, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि यह समय की आवश्यकता के अनुरूप, अब जल्दी आया या देर से आया मैं इस विषय में तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन यह आवश्यक जरूर है, क्योंकि उत्तर भारत पे बहुत ज्यादा संसाधनों पे दबाव है, अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों से हम ज्यादा भीड़ वाले। एक सवाल और है अमरेंद्र जी आपसे, मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक सवाल मेरा और है, जैसा अभी आपकी मैं बात सुन रहा था पूरी ध्यान से, आपने पूरा इसका कानूनी विश्लेषण किया, उसमें आपने कहा कि समानता का अधिकार हमारा जो संविधान है सबको देता है, उसी के तहत अल्पसंख्यक भी आते हैं, तो जब ये कानून बनेगा तो जो अल्पसंख्यकों का जो अधिक बच्चे होते हैं उनका ये शरीयत में नसबंदी और इस तरह की शायद इजाजत नहीं है, तो अगर अल्पसंख्यकों पर ये लागू होता है तो क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा? मैं कानूनी राय आपसे जानना चाहता हूँ इसकी क्या है। भारत आजाद हुआ 50 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने यही विषय आया कि ये जो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट का हमारा भारत का संविधान, यह जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके सापेक्ष इसकी क्या तुलना की जाए, कहां तक यह धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है या नहीं लगाता है, और सन 1952 में एक स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा नाम का एक मशहूर केस है जिसमें गजेंद्र तड़कर और बड़े महान विभूतियां जो न्यायविद थे हमारे न्यायाधीश, उन्होंने यह कहा था कि जहां धार्मिक फेथ या धार्मिक मान्यताएं वेलफेयर के विरुद्ध जाती हो और कल्याणकारी कदम कोई शासन उठाता है तो वह प्राथमिकता प्राप्त करेगा, न कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक फेथ। यह फिर बाद में अन्य भी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिए हैं कि हमारा सबसे बड़ा, देखिए हम लोकतंत्र हैं, समानता का अधिकार है, और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फेथ है वह एक दूरी तक जाकर के लोगों को मानने के लिए परमिशन देती है, लेकिन वह असीमित नहीं है। अगर वह राज्य के हितों के विरुद्ध है, कल्याणकारी व्यवस्था के हितों के विरुद्ध है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है, तो वह जो शरीयत की बात है, मैं समझता हूँ हमारे शरीयत मानने वाले भी भाई और उलेमा जो भी लोग हैं, धार्मिक धर्म गुरु हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख है, जैनी है, बहुत से अल्पसंख्यक कम्युनिटीज भी हमारे देश में हैं, ये लोग इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरह से आखिर मुसलमान के भी घर में अगर ज्यादा आबादी होगी तो उन्हीं के तो संसाधन सीमित होंगे, ये और हर एक के साथ है, हिंदुओं में भी है, जहाँ एक बच्चा है, जहाँ ज्यादा है वहां बंटवारे की वजह से लोग कितना, उनके यहाँ अवसर की कमी हो जाती है। तो अगर कानून बनाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ जो इसका प्रीएम्बल है, जो इसका आशय है, वह यही है कि हमारे यहाँ जो सीमित संसाधन है देश में
उनके ऊपर जो भार पड़ रहा है। अब आप देखिए, एक मैं जरा सा हट रहा हूँ, एक रिपोर्ट आई थी इस कोविड 19 के समय में कि 64 करोड़ लीटर हमारे यहाँ दूध का उत्पादन होता है, दूध की आवश्यकता है, कंजम्पशन है पर डे, और प्रोडक्शन हमारे यहाँ लगभग 23 या 24 करोड़ लीटर है। तो ये जो गैप है ये कहाँ से आ रहा है? ये अडल्ट्रेशन है। और अगर हम अपने लोगों को अडल्ट्रेटेड दूध पिलाएंगे तो स्वास्थ्य, मतलब आप एक चेन है सफरिंग की, स्वास्थ्य सफर करेगा आदमी पे, और ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर ये कदम उठाया है तो, और राजनीतिक दलों ने भी इसको किसी न किसी रूप में आवश्यक महसूस किया है, अब यह जरूर है कि इसका डिबेट होना चाहिए। तो स्वाभाविक है, हम लोकतंत्र में, तो डिबेट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, अभी आपने सभी वक्ताओं की बात सुनी। सुरेंद्र सिंह राजपूत तो पत्रकारों को आतंकवादी कहने लग गए सवाल पूछने पर। कपीश जी ने आपसे संवैधानिक बात की है। सुरेंद्र सिंह राजपूत कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? अरे भाई, आप बताइए, और आपने जो इन सबकी बातें सुनी है उसका सार क्या है, लब्बो लुआब क्या है, भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में मत क्या है, आपसे जानना चाहते। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, और अब उनको दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं का जो उनका वर्तमान नेतृत्व है उसको डिफेंड कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या आ गई कांग्रेस प्रवक्ताओं के ऊपर। उसका सीधा सीधा आप तरीका यही है कि वो सीधे सीधे, आजकल मैंने कई डिबेट्स में देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे जो है मीडिया पर आक्रमण करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको उनसे कठिन सवाल ना पूछे जाए, और जो सवाल पूछे जाते हैं वो उनसे पूछे जाए। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, कि जब मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ये महाअभियोग ले आए, क्योंकि ये चाहते थे कि मुख्य न्यायाधीश उनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश को अपने हिसाब से चलाया है। 70 साल तक की जो मानसिकता है राजशाही की जो इन्होंने चलाई है, वो उससे ये चाहते हैं कि देश इनका का गुलाम हो गया है, इनकी पार्टी का, इनके पार्टी के जो 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 इनका सर्वोच्च सत्ता है गांधी परिवार उसका गुलाम है। तो उसके लिए चाहे संसद हो तो उस पर, वहां पर आक्रमण कर देंगे, समुदाय संस्था होगी वहां पर आक्रमण कर देंगे, यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमला कर देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इन्होंने अगर आप पर हमला किया है तो ये उसी परिपाटी का प्रचलन है। आप, मैं हैरान हो गया कि वरिष्ठ, आप इतने बड़े संपादक है, इतने पुराने वरिष्ठ जन है, उन पर आतंकवादी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही थी। इमरजेंसी पर कांग्रेस को गर्व है ये इन्होंने कहा, तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने देश की जनता ये जानकर खुश हो गई होगी कि इमरजेंसी कांग्रेस का गर्व है, और सुरेंद्र जी ने जो कांग्रेस का ढोंग रहा था कि हमको इमरजेंसी पर खेद रहता था, इनके नेताओं ने कहा था, ये इन्होंने ढोंग खोल दिया कांग्रेस का। तो और शायद ये बताना भूल गए कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जो इनकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जनसंख्या इस नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नेताओं की जायज और नाजायज औलादें कितनी है उसकी पहले चर्चा हो जाए। तो जायज और नाजायज औलादें तो कांग्रेस अच्छे से बता सकती है। तो सलमान खुर्शीद की बात को और उसको झुटलाना ये अच्छी बात नहीं है। सुरेंद्र भाई, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, आपकी बातों को मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, लेकिन अब उपाध्याय जी पर आपने जो आरोप खटा लिया है, मुझे लगता है अपने वक्तव्य में आप इस बात के लिए खेद व्यक्त कर देंगे। दूसरी बात मैंने ये कहा कि सर कपीश जी की बात में जवाब देता हूँ कि कपीश जी, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, और हमारे को 325 सीटें दी है कांग्रेस जनता ने, और वो लगातार देती आ रही है, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव दे लीजिए, आपकी पार्टी 5 संसद सदस्यों तक सीमित रह गई थी। 2019 में आप मायावती जी को लेकर लड़े, उसके बावजूद आप 5 तक ही रह गए, यहां तक कि अखिलेश यादव जी की पत्नी, स्वयं की पत्नी, उनके भाई, उनके भतीजे सब हार गए चुनाव। तो आपका तो ये इतिहास रहा है, नगर निगम में खाता नहीं खुल पा रहा है आपका, उस चुनाव में आपको खाली 5 सीट मिलती है, 6 सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो है आप मात्र 5 सीटों पर ही रह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर आती है, और आप कहते हैं कि हम 5 महीने के मेहमान है। तो ये दिवस अपना जीते रहिए। आपका नकारा नेता जो है, जिसने वैक्सीन को लेकर के जो भ्रम फैलाया देश के अंदर, जिस तरीके से लोग बीमार पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए अखिलेश यादव बहुत बड़े जिम्मेदार है, जिन्होंने कहा था कांग्रेस। आलोक जी, जनसंख्या, जनसंख्या पे, जनसंख्या पे रहिए आलोक जी, आलोक जी विषय विषय पे रहिए, इस पर बात बहुत पहले कई डिबेटें हो चुकी हैं कोविड पे, जनसंख्या नीति पे अपना जवाब दीजिए, फिर कपीश जी हैं, हम कपीश जी से पूरा जवाब लेंगे आपकी बात का। जी देखिए, मैं जनता की बात करता हूँ। देखिए, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है, बढ़ती जनसंख्या जो है गरीबी,
उससे आती है, खाद्यान्न का संकट। अब ये जानना ये चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसका विधानसभा में बिल लाएगी या अध्यादेश पारित होगा। जैसा अमरेंद्र जी ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस पास होता है तो 6 महीने बाद इसको ये प्रभावी नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, आप तो करीब से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी रहते हैं, प्रवक्ता भी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या विचार विमर्श किया है? क्या ये विधानसभा में पेश होगा, क्या विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या फिर इसका अध्यादेश लाया जाएगा? देखिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी आपातकाल पर विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल पर विश्वास नहीं रखती है। वो कोई इमरजेंसी नहीं लगाती है, वो कोई नया कानून नहीं लेके नहीं आएगी। जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, जो भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर संविधान ने जो अपने संविधान प्रदत्त शक्तियां दी है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके अनुरूप कार्य करेगी। मुझे लगता है इसको अभी आगे आने वाले समय में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये जनता के हित में है ये कानून। इससे जो है हमारे यहाँ प्रजनन दर कम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात, जो भारत जो लक्ष्य रखा गया है, जो आज फर्टिलिटी दर है 2.7 है, उसको हम 2026 में 2.1 पर ले जाएंगे और 2030 में 1.9 पर प्रजनन दर को ले जाएंगे, जो कि आज देश की 2.2 की प्रजनन दर से कम होगा। हमारा ये लक्ष्य है किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण में आए, सबको जो है उचित रूप से सम्मान मिले, नौकरियां मिले, रोजगार मिले, खाद्यान्न मिले। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया आलोक जी कि क्या विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? उपाध्याय जी, मैंने इसका बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं सरकार को, उस संविधान के अंदर ही हम निर्णय लेंगे, यही मेरा कहना है। ठीक है कपीश जी, आपने आलोक जी की पूरी बात सुनी, आपको दिक्कतें कहां हैं इस बिल से? आपको दिक्कतें कहां हैं? आपकी जो विरोध है वो किन मुद्दों पर है? उपाध्याय जी, हमने तो अवस्थी जी की पूरी गाथा सुनी, लेकिन वो गाथा न तो जनसंख्या नीति से थी, ना मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, मैं खाली रह गया। और मैं दूसरी बात अब आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, पहले चीज में मैंने जो कानूनी मसले थे वो रखे, मैं अभी जानना भी चाहता था इनसे। मैं अमरेंद्र जी तो एक कृषि विशेषज्ञ है, वो इनकी सरकार जो क्या लाएगी मैं वो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्ट जो है जो आयोग ने तैयार किया, फिर सरकार अपने हिसाब से भी मंशा करेगी, वो ड्राफ्ट करेगी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रांगण न्याय का सिद्धांत इस पर लागू करेंगे, यानी भूतलक्ष्मी से होगा या भविष्यलक्ष्मी से होगा। और साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि समता और समानता का अधिकार, जो बच्चे बाद में पैदा होंगे और उनमें से अगर कोई पहुंचता है और ये कहता कि ये मेरे पिता की गलती थी, हमें सरकारी नौकरी से आप क्यों रोक रहे हैं, तो समता और समानता के अधिकार का विश्लेषण क्या हमारी संवैधानिक बेंच करेगी कि नहीं करेगी? और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ। बहुत देखिए, मैं प्वाइंटेड बातें करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया गया कि प्वाइंटेड बात कैसे रखी जाती है। अमरिंदर जी भी ऐसे ही कहते और हम भी ऐसे ही करते। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आप एक जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपनी गवर्नमेंट में नौकरियां देगी या अपनी तरफ से जो प्रोत्साहन देगी अन्य नीतियों के अनुसार, उसी का पोषण वो कर सकती है। लेकिन केंद्र की सरकार की अगर नौकरियां हो और केंद्र सरकार का जो प्रोत्साहन होगा उसमें तो ये नीति नहीं लागू कर पाएंगे। तो ये किस तरीके की आगे अधूरी कवायद दिखती है जनसंख्या नीति पर, एक तो इसका जवाब ले लीजिए। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये गंभीर है तो क्यों नहीं मोदी सरकार, अभी 3 साल है, हम ऑर्डिनेंस में क्यों फंसने जाएं? क्योंकि ऑर्डिनेंस संविधान में कहा गया कि ये आखिरी रास्ता है। संविधान विशेषज्ञ आप बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ ले, क्योंकि हम भी लॉ के फील्ड पर, मैं भी वही एक्सरसाइज करता हूं, और मुझसे कृपया आप ये ना कहिएगा कि आप प्रवक्ता है तो आप संवैधानिक बातों पर बात ना करें, क्योंकि हमारे भी खून में आर्टिकल्स और धाराएं भरी हुई है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो विधि विदेश चल रहा, तो मैं बात पूछूंगा। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अवस्थी जी से, अवस्थी जी अगर वाकई आप गंभीर हैं तो मोदी सरकार लेकर के आगे एक ड्राफ्ट बनाइए, जेपीसी कमेटी बैठा लीजिए, उसको एक ड्राफ्ट को रखिए, कुछ संशोधन अगर हमारी तरफ से होते हैं, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो करिए, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप पटल पे लेकर के संसद के विधेयक पे आइए और उसके बाद आप उसको दोनों जगह से पास कराइए, अनुसूचित कीजिए और कानून बनाइए, हम सब उस कानून के अंदर होंगे। पूरे देश के लिए जनसंख्या नीति एक होनी चाहिए। आप 1976 के बायोलॉजी संशोधन पर मत जाइए, आप उस 44 राज्य के नीति निदेशक तक पहुंच ले जाइए जो 35-57 तबके के अंदर कहता है बात कि अगर पूरे देश में विस्फोट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश ही खाली जिम्मेदार नहीं है। मित्र, इसलिए वास्तव में राजनीति न करें, जाते जवाते आप कोविड काल के अपने
पर्दा डालना चाहते हैं। आपने 4.5 साल में जो काम नहीं किए, आपका एक भी संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं है, देश चर्चा करने लगे इस चीज पे और आपको कोविड पे हरी झंडी मिल जाए, तो वो नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम अपने मंच पे वही बात कहेंगे जो आपकी विफलताओं की कहानी है और हमारी 2012 से 17 जो सफलताओं की निशानी है, जिसमें कि हमारे पुरुषार्थ को आपने अपने नाम किया वो तो हम रखें। ठीक है कपीर जी, इसी मुद्दे पे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से भी बात कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, अगर कांग्रेस की बात होगी तो नसबंदी काल की बात होगी, 1975 की बात होगी, आपातकाल की बात होगी, तो कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। सलमान खुर्शीद का अभी आलोक अवस्थी जी ने उदाहरण दिया, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? और आपसे सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे आतंकवादी हैं। भाई सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है, हम आतंकवादी कैसे हो गए? पत्रकारों को आप आतंकवादी कैसे घोषित कर देते हैं? क्या कांग्रेस जो चाहती है या कांग्रेस जो सोचती है, क्या हम वही सवाल करें? के उपाध्याय जी बड़े गंभीर प्रश्न किए हैं, तो गंभीरता से जवाब लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। आपसे एक निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ करके। पहली चीज तो मैंने आतंकवादी, मैं तो वैसे भी बीच में नहीं टोकता, आप सबको पूरा समय दिया है अभी। देखिए अभी आपने टोकना शुरू कर दिया, आतंकवादी जैसा सलूक कर रहे हैं। आतंकवादी नहीं, आतंकवादी जैसा सलूक नहीं, ना ना ये भी नहीं कहा मैंने ये कहा भाषाई आतंकी जैसा सलूक कर, भाषाई आतंकी, भाषा से आतंक, आतंकवाद आदि नहीं। अगर ये चीज में अंतर आप नहीं कर सकते, सुन लीजिए अब फिर आप देखिए ना, बीच ही में टोक रहे। नंबर एक, नंबर दो, पत्रकारों का सम्मान हम लोग कांग्रेस करता है ना कोई करता रहेगा, एक चीज। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को पत्रकारों के लिए नसीहत दे रही है, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस के जमाने में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 सालों में जिस तरीके से पत्रकारों की कुटाई, पत्रकारों की छटाई, पत्रकारों की पिटाई और पत्रकारों को जो जेल हुई है ना, उसको एक बार जरूर आलोक अवस्थी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का आपातकाल देखा है? अखबार के पन्ने जनसंपर्क ऑफिस में जाते थे, वो तय करते थे कि पेज 1 पे हेडिंग क्या जाएगी और अंदर क्या जाएगा, किस विपक्षी का फोटो जाएगा, किसका नहीं जाएगा। जब जनसंपर्क अधिकारी उस पर सिग्नेचर कर देता था, उसके बाद अखबार प्रिंटिंग में जाता था। तो कांग्रेस ये बात तो करे ही ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और पत्रकारों ने क्या किया है। कांग्रेस अगर अपने गिरेबान में झांकेगी तो उसे सिर्फ काले धब्बे के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। सुरेंद्र सिंह जी, माफी चाहता हूं आपसे, तो ये बातें नहीं करिए कि भाजपा ने किया है, जितना कांग्रेस ने किया उतना तो शायद किसी ने नहीं किया। अरे भाई बीच में देखिए, आपने कपीस को भी बहुत शांति से सुना, आपने आलोक अवस्थी जी को भी बहुत शांति से सुना, आपने आदरणीय अमरेंद्र नाथ जी को भी बड़े शांति से सुना, लेकिन सुरेंद्र राजपूत से चूंकि आपको प्रॉब्लम है, उसने आपकी बातें रख दी सामने, इसलिए आप उनको शांति से नहीं। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। बीच में आप अपनी बात का जवाब दीजिए, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो बात कहेंगे तो फिर मैं उस पर जवाब तो दूंगा ना। जब आप मेरी बात पूरा होने के बाद दीजिएगा ना सर, अगर आप मेरी बात के बीच में बोलेंगे ना, आप जितना बड़ा पत्रकार थोड़े, मैं तो बीच में तो भूल जाऊंगा। यही तो आतंक है कि आप बीच में किसी को वो रोक दीजिए, उसके बाद यही तो इसी को आतंक नहीं है और कोई थोड़ी, ये आतंक नहीं है। आपकी बात का जवाब तो देंगे ही ना। सुनिए, नहीं नहीं, आतंक नहीं है, आतंक की भाषा का इस्तेमाल मत करिए आप, ये आतंक नहीं है। सवाल पूछना आतंक नहीं होता सुरेंद्र जी, आप मेरे साथ लगातार डिबेट में रहे हैं और आप भरपूर उससे बोले हैं, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको बोलने का अवसर नहीं दिया, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो जो मेरे पास संदर्भ है उसका उल्लेख तो मैं करूंगा ही ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? देते हैं तोड़ तोड़ करके देते हैं, हमें अपनी बात को कहने की तारतम्यता तोड़ देते हैं, बाकी को वो एक से भाई चार अगर लोग बैठे हैं तो चारों को अवसर देंगे ना, एक ही को अवसर नहीं दे सकते हम। कहते हैं ना कि आलोक जी से राम की स्पेलिंग पूछेंगे, कपीर भाई से कृष्ण की स्पेलिंग पूछेंगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछेंगे, तो यही भाषाई आतंक है। आप समझ लीजिए इस बात को, अब आप समझिए कि आपातकाल के लिए पहले हमने माफी मांगी। आप अपनी बात कहिए जी, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। हमने आपातकाल के लिए माफी मांग ली थी, आपातकाल की हुई गलतियों को शिखंडी बना करके अगर के उपाध्याय आलोक अवस्थी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गलतियां छुपाती है तो अक्षम्य अपराध है जनता के प्रति भी, पत्रकारों के प्रति भी, और विशेषकर उन पत्रकारों के प्रति भी जो इस वक्त जेल में है, जो FIR जिनके ऊपर हुई हुई है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो IAS ऑफिसरों के द्वारा मारे जा रहे हैं, आज कूटे गए हैं उन्नाव में, उसके लिए आपका एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आप जो मैनपुरी में जो आज तक के पत्रकार पीटे गए हैं उस पर कोई नहीं निकला,
जो मिर्जापुर में रोटी वाली एफआईआर करने के बाद ये विषय पत्रकारों का है ही नहीं सुरेन जी, ये पत्रकारों का और हिंसा, हमारा विषय आज का हिंसा पे है ही नहीं, हमारा तो विषय जनसंख्या पे है। प्लीज आप जनसंख्या पर वापस आइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हम बहस कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर और पत्रकारिता का विषय पर हमारी ये बहस ही नहीं है। आप विषय पर रहिए तो मैं आपकी बात सुनूंगा। आप पत्रकारों पे आ गए कि वहां पीटा गया यहां पीटा गया, अरे भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है, पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, बट वो आज का विषय नहीं है कि इसलिए मैं उस पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। हम सिर्फ जनसंख्या कानून की बात करें। आप आलोक जी को पूरी बात कहने देना चाहते हैं, आप आपातकाल के पन्नों को याद कराना चाहते हैं, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी का काला अध्याय सामने रखते हैं तब आपका विषय चेंज हो जाता है ना। ये आपके सामने की स्थिति है, इसलिए कृपा करके देखिए, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, मत करिए। मैं आपसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है, मैं मुद्दे चाहता हूँ, आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आलोक अवस्थी जी और आप, एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं, मैं मुद्दे से भटकने वाला इंसान नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आप लोग भाषाई आतंक करेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपसे कह दूं कि अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा, और जो आप गलत बात करेंगे उसका विरोध करूंगा, चाहे आप पत्रकार मित्र हो और चाहे आलोक अवस्थी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हो। मेरा विरोध करना मेरा नैसर्गिक अधिकार है, उसको आप मुझसे छीन नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए जनसंख्या तो दीजिए महाराज। जी जी जी, तो हमने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया कि साहब हम जनसंख्या प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं। सब लोगों से विमर्श करके, जैसे अमरेन्द्रनाथ जी ने भी बड़ी शानदार बात कही, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात के जिस्त ये निकला कि ये कानून अच्छे प्रावधानों के साथ आए, इस पर चर्चा हो, जनता में भी चर्चा हो, लोगों में भी चर्चा हो, विधानसभा में भी चर्चा हो, ऑर्डिनेंस आखिरी विकल्प है, उस पर आना नहीं चाहिए। ऑर्डिनेंस के नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई थी तो 5 काले कानून लेकर के आई थी, वो लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ, जो उन्हें वापस लेने पड़े थे, 5-5 बार ऑर्डिनेंस लेके आई। ये सरकार ऐसी सरकार है आजादी के बाद की जो सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी ऐसी सरकार है जो सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लेकर के आई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये कानून ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आना चाहिए, व्यापक विमर्श विधानसभा में होना चाहिए। व्यापक विमर्श में मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं, व्यापक विमर्श सर्वानुमति होनी चाहिए, सारे दलों में होना चाहिए, सारे पत्रकार मित्रों से बातें होनी चाहिए, ताकि यहां पर कोई दिक्कत ना आए। हमारा स्पष्ट इतना ही सिर्फ कहना है कि अगर विमर्श की उसको तो सुरेन जी पब्लिक से 19 जुलाई तक सुरेन राजपूत जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं और पूरी जनता से सुझाव मांगे गए, कोई भी सुझाव दे सकता है। व्यापक विमर्श, ये व्यापक विमर्श की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इसके बाद ये व्यापक विमर्श की श्रेणी में आता है, विधानसभा में जाता है। विधानसभा में सारे दलों से व्यापक विमर्श होने के बाद ये कानून की शक्ल ले, अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में आएगा जैसे पहले ये लोग करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसान बिल की तरीके से विरोध होगा। जैसे इन्होंने पब्लिक डोमेन में किसान कानून नहीं डाला और उसके बाद कहते साहब हम कितने साल से कर रहे थे विमर्श, आज की डेट में आपके सामने है, किसान लोग बैठे हुए हैं सड़क पर। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपने भी संपर्कों का इस्तेमाल करके और आलोक अवस्थी जी अपनी जो है अपने पद का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ जी से ये जरूर कहें कि साहब इसका ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, इसका कानून जो है सब लोगों से बातचीत करके अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो। रही बात संसाधनों की, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ इस वक्त संसाधन कम है, और उन संसाधनों पे सबका समान का अधिकार होना चाहिए, बेरोजगारी पर भी अधिकार होना चाहिए, सब बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ तमाम जो संसाधन कम है वो बढ़ने चाहिए। लेकिन कोई भी बिल किसी भी शख्स को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके मुखालिफ आया है, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो। और एक चीज मैंने और चीज कही अभी, जैसे कपीश जी ने कहा कि भूतलक्षी आएगा या भविष्यलक्षी आएगा, अगर भूतलक्षी आए तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि भाई आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछ लेना चाहिए कि आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो 5-5, 4-4, 6-6 भाई बहन है, नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और जरूर पूछी जानी चाहिए कि क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए, क्या इसका संसद में नहीं, पूरे देश में एक समान प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नहीं आनी चाहिए क्या,
ऐसा मुझे लगता है आना चाहिए, ये मेरा निजी मत है, ठीक है, आना चाहिए कि ठीक आप है। इन सारे ये आपने कानूनी जो पहलू उठाए हैं उस पे मैं अमरेंद्र नाथ जी से बात करूंगा। अमरेंद्र जी, कपीश जी ने भी कहा कि एक केंद्र क्यों नहीं इस पे जनसंख्या नीति कानून लेके आता है, क्या राज्यों को ये कानून बनाने का अधिकार नहीं है? दूसरी बात, अगर ऑर्डिनेंस से आता है तो दिक्कत क्या है? और मेरा तीसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर ये विधानसभा से आता है या ऑर्डिनेंस पास होता है तो क्या कहीं ये कोर्ट में जाके अटक तो नहीं जाएगा? आपको इसमें जो आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा है अभी तक या इसमें जो प्रावधान लागू किए गए हैं उसमें क्या कहीं कुछ आपको आपत्तिजनक लगता है? आपसे एक विस्तृत राय, गैर राजनीतिक राय, आपने पहले भी बहुत विस्तृत तौर पर कानूनी तरीके से कानूनी भाषा में समझाया, तो हम बिल्कुल एक सामान्य तौर पर ये जानना चाहते हैं कि क्या एक जनसंख्या कानून देश का बनना चाहिए, क्या ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, और अगर ये ऑर्डिनेंस या विधानसभा में पारित होता है तो क्या कोर्ट में ये टिक पाएगा? क्योंकि आपने ही बताया था कि हरियाणा में और कई राज्यों में इस तरह का आया तो बाद में कोर्ट ने उसे होल्ड कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कानून भी यहाँ होल्ड हो जाएगा, क्या आपको ऐसी आशंका नजर आती है? 2002 में जावेद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एक केस हुआ था सरपंचों के चुनाव पे आरक्षण और ये प्रतिबंध दो बच्चों से ज्यादा का, उसको न्यायालय ने अपहोल्ड किया, वहां जो कानून बना था उसको मान्य किया और उसको उन्होंने निरस्त नहीं किया, वो स्वीकार हो गया कानून, और वहीं से ये 2002 का विषय है। और ये समय समय पर यह चिंता लोगों में व्यक्त की गई है कि जनसंख्या से बड़ा देश तो नुकसान हो रहा है, प्रगति बाधित हो रही है, संसाधन लुट रहे हैं, तो वो एक अलग पहलू है। जो हमारे दोनों भाई कांग्रेस के साथी और वो समाजवादी पार्टी को, उन्होंने ये कहा कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव होगा कि या प्रोस्पेक्टिव होगा, तो जो मैंने प्रपोज ड्राफ्ट देखा है उसमें उन्होंने लागू होने के बाद से उन्होंने विभिन्न तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या प्रतिबंध होंगे और क्या क्या उसके लाभ दिए जाएंगे और कौन कौन लोग प्रतिबंधित होंगे। तो यह भूत लक्षी नहीं होगा, वो हो भी नहीं सकता, कानूनन नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में और रिव्यू में आ जाएगा कि उस पर न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि ये कानून अगर भूत लक्षी लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा मैंने देखा नहीं। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन से ये कानून लागू होगा उस दिन से आगे देखा जाएगा, उसके जो प्राविधान है वह लागू होंगे। बल्कि इसमें एडॉप्शन का भी एक प्रोविजन किया गया है कि दो बच्चों के बाद का जो एडॉप्शन होगा तो उसमें भी उन्होंने कि एक साल के अंदर अगर होता है तो उसको मान्य करेंगे। अभी देखिए ये प्राइमरी स्टेज पे है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जन सामान्य, खासतौर से आपने भी एक तरह से इसको जन सामान्य के बीच में ला करके डिबेट तो शुरू हो गया है, लोगों को विचार करना चाहिए कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, अच्छाइयां और बुराइयां क्या। जहां तक देशव्यापी और स्टेट में लागू होने की बात, जी क्या कहा आपने? जी आप जारी रखिए, जी मैं आप जारी रखिए प्लीज। देशव्यापी तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट अब हो गया, ऐसी स्थिति में राज्य भी कानून बना सकते हैं और जैसा कि हरियाणा ने किया भी था, अन्य राज्यों ने भी किया। यह समय की आवश्यकता के अनुसार मैं समझता हूं कि लाया जा रहा है, ओपन डिबेट है, जो संशोधन होंगे उम्मीद है कि एक अच्छी धारा बहेगी और जो जमीन पे हमारे भार है वो कम होगा। एक मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, मान लीजिए किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं और इस तरह की कई बार इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, तो क्या उसको कानून से वंचित रखा जाएगा या उसके लिए किस तरह का प्रावधान उसमें शामिल किया जाएगा? मान लीजिए पहले एक बच्चा, दूसरी बार उसको जुड़वा बच्चे हो जाए, फिर इन परिस्थितियों में क्या होगा? ये तो बिल्कुल कानूनी उसमें आएगा ना, फिर ये भी डिस्कस हुआ था जावेद के केस में, लेकिन उसको न्यायालय ने एक्सेप्शन माना। यह सामान्य स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे घर में जुड़वा हो रहा है, ये कहीं कहीं कभी कभी होता है, तो वह माना तो एक ही प्रेगनेंसी से जाएगा, एक यूनिट माना जाएगा, दो हो गए तो वो अपना देखेंगे, वो स्पष्ट नहीं है अभी उसमें।
लेकिन अब वो जो नया कानून आ रहा है उसमें उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्शन मानते हुए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जी जी अमरेंद्र जी आप अमरेंद्र जी से कुछ पूछना चाहते हैं कपीश जी और मैं आपको भी साधुवाद दूंगा इस वजह से कि आपने जो जुड़वे बच्चों को उठाया या चुड़वे बच्चे या पांच बच्चे तक हमारे कुशीनगर में एक बार में हुए हैं, बहुत मार्मिक प्रश्न आपने उठाया और मैं स्वयं मेरे स्वयं जुड़वे बच्चे हैं और एक बड़ी बिटिया है, तीन तो है और वो अखिलेश यादव जी के ही आपने हमारा व्यक्तिगत प्रश्न उठा दिया, पता नहीं कैसे आप जान लिए ये समस्या। लेकिन खैर मैं दूसरी एक बात पूछना चाहता हूं, भाई देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो संविधान के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाने की बातें कही गई हैं, वो जो एक्सेप्शन दिए गए हैं उसके अंदर ये स्पष्ट है कि ऑर्डिनेंस जो है वो किसी विधि का अंतिम स्वरूप है, यानी अंतिम एक ऐसा जो अस्त्र है विधि का कि जो अंतिम हथियार पे के तौर पर लाया जा सकता है, यानी बहुत आवश्यक हो जाए, यानी कि वो परिस्थितियां बहुत आवश्यक हो जाए। जैसे मान लीजिए 6 महीने की सरकार बची है, कोई ऐसा देश का आपातकाल आ गया कि हमें उस तरह का कानून लाना पड़ रहा है तो वो समझ में आता है, लेकिन एक जाने वाली सरकार अगर ऑर्डिनेंस के रूप में 6 महीने ही सरकार रह गई है, ऑर्डिनेंस लेकर के आती है, तो ये बताइए कि ये कहीं ना कहीं संविधान में जिस चीज की प्रथम दृष्टया मनाही की गई है ये इसके विपरीत है कि नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि जब प्रखर कोई जनसंख्या कानून नीति बनती है तो जब केंद्र की सरकार नौकरियां निकालेगी उस पर आप नई पाबंदी लगाते और आप अन्य जो है जो केंद्र की नीतियां होंगी जो चाहे वो किसानों के लिए हो अन्य चीजों के लिए हो जो देते हैं वो तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये अधूरी कपीश जी आपकी बात का जवाब आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी उन्होंने वाजिब प्रश्न उठाया है कि अगर केंद्र सरकार की नौकरियां निकलती हैं चूंकि केंद्र में ये बिल लागू नहीं है, इन परिस्थितियों में फिर उत्तर प्रदेश सरकार में उन नौकरियों का क्या होगा, ये वाजिब प्रश्न है। आलोक जी देखिए जो कानून लाया का जो विधि आयोग ने जो प्रारूप दिया है वो स्पष्ट रूप से प्रदेश के ऊपर लागू है, वो केंद्र पर लागू नहीं है। जब तक कि केंद्र सरकार अपने कानूनों में परिवर्तन नहीं करती है तब तक उसको जो भी केंद्र के हिसाब से जो लोग पात्र हैं वो जाएंगे। राज्य के अंदर अगर कानून है और राज्य सरकार की नौकरियां हैं तो उस पर जो है तो ये जो है अगर ये हम पास करते हैं तो ये आ जाएगा। रही बात उन्होंने एक बात कही थी सुरेंद्र राजपूत जी ने कि ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, अरे सुरेंद्र राजपूत जी आप भूल गए कि धारा 370 लगाने के बाद एक चुप्पे से आपने एक उसमें 35A जोड़ दिया था जिसको ना संसद में पास किया था ना इसका ऑर्डिनेंस हुआ था और इस तरीके से चोरी करके आपने इतने साल तक जो है इसको 35A को चलाया, तो आप ये बात कह रहे हैं मुझे शर्म है, मुझे हैरत होती है। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि क्या कहते हैं ये जो ऑर्डिनेंस जो है लाना ठीक नहीं है, हमने तो अभी कहा नहीं कि हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, आप बीच में नहीं टोकेंगे, हम तो नहीं कह रहे कि जो है कतई नहीं टोकेंगे और ये विषय भाई आपकी कड़ाई खुल रही है, आपकी कड़ाई खुल रही है, इनको आप नहीं टोकेंगे, ये इसको जुगलबंदी कहते हैं, इसको कैसे कवर फायर को ला करके देश को आपने बांटने का साजिश किया, आपने देश को बांटने साजिश किया, कश्मीर के नागरिकों से अपने अन्याय किया, पैसे से आपने चिपकाए नहीं चिपकाए बता दीजिए। अब जवाब दे दे उपाध्याय जी जी बहुत संक्षेप में जवाब देना, समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में जवाब देना, बहुत संक्षेप में जी सुरेंद्र जी बिल्कुल सुरेंद्र जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए ना तो ये लोग 370 पढ़ के आते हैं ना 35A पढ़ के आते हैं और ना ही ये बताने के लिए आते हैं कि देश को तोड़ने के लिए। सच्चाई ये है अरे भाई बीच में मत बोला कीजिए यार, ऊपर खंड आलोक भाई आप इतने बड़े नेता हो अभी तक बीच में बोलते हो, आप जवाब दीजिए, मुझे डिबेट समाप्त करनी पड़ेगी सुरेंद्र जी, जवाब जल्दी जवाब दीजिए जी। अब देखिए ये विषय से बाहर की चीज थी, आपने के उपाध्याय जी आलोक अवस्थी जी को कतई नहीं टोका, ये देखिए इसको कवर फायर कहते हैं, इसको जुगलबंदी कहते हैं। मैंने आपको जवाब देने के लिए बोला जी नहीं और पहली बात रही बात 370 की, 370 किस वक्त लागू हुई थी, 35A के क्या प्रावधान थे, ये उस वक्त की आवश्यकता थी, आज वो चीज खत्म हो चुकी है, आज इस चीज को लेकर के लोग देश तोड़ने की बात और वो लोग बात कर रहे हैं जो देश के बंटवारे के जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने दो राष्ट्र थ्योरी दी थी, जिन लोगों ने
जो सागर के डॉक्टर, मैं एक डिबेट का समापन नोट अमरेंद्र नाथ जी से लेना चाहूंगा। अमरेंद्र नाथ जी, बिल्कुल सरल शब्दों में जवाब दीजिए, क्या ऑर्डिनेंस का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं हमारे वक्ता, ऑर्डिनेंस लाना क्या गलत है? अमरेंद्र नाथ जी, पहले तो क्षमा चाहूंगा, एक स्पष्टीकरण दे दूं। 2021 जनवरी को यदि किसी के पास एक संतान है और 2023 के पूर्व उसको एक ही कंसीव होने पर जुड़वा बच्चे होते हैं तो ये प्राविधान उन पर नहीं लागू होंगे। उसके बाद अगर किसी को जुड़वा होते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रतिबंध लागू होगा, ये इसमें प्रस्तावित अधिनियम में है। जहां तक ऑर्डिनेंस लाने की बात है, ऑर्डिनेंस तो एक्सट्रीम अर्जेंसी का विषय है कि कोई विषय जब सत्र में ना हो सदन और बहुत आवश्यक हो तो संविधान यह प्राविधान देता है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, अन्यथा कोई भी नया कानून लाया जाता है तो वो सदन के माध्यम से आता है। अब यह हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाने जा रही है या सदन में पेश करेगी। देखिए, ऑर्डिनेंस के रूप में भी कोई अगर आता है विधेयक तो भी सदन में तो वह पारित होना आवश्यक ही है, वहां तब भी डिबेट होगा, ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो कोई बड़ा भारी आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन यह राजनीतिक विषय है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत एक्सट्रीम जहां अर्जेंसी होती है वहीं ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और ये बहस सार्थक बहस रही। इस डिबेट को अभी आगे और चलेगी, 19 जुलाई तक इस पर सुझाव मांगे गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जनसंख्या नीति पर ये थी हमारी डिबेट। जनसंख्या नीति पर अभी 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं सरकार ने और इस पर अभी और बहस होगी और कई चीजें निकलेंगी, ऑर्डिनेंस पास होगा या विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, यह अभी 19 जुलाई के बाद ही स्पष्ट हो चुकेगा। लेकिन यह है कि यह मुद्दा सियासत का है, इस पर सियासत गरमाने लगी है, इस पर आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।